नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार मेरे YouTube चैनल टेक्निकल टीचर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स कैलकुलेशन के बारे में। अगर आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेशन स्वयं अपने मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से सबमिट करना चाहते हैं तो इसकी संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को देखने के बाद में अपना पूरा टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से भी। अगर आपके पास अपना लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप मोबाइल के माध्यम से इस वीडियो में बताई गई ट्रिक और कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने मोबाइल से भी अपने टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आपको टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स बचाने की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक्निकल टीचर को समस्त तकनीकी जानकारी के लिए और बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करें जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आयकर गणना करने के लिए, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करने के लिए आपको गूगल क्रोम ओपन करना है अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर लैपटॉप जिसमें भी आप करना चाह रहे हैं। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में आपको टाइप करना है आरएसएस राष्ट्रीय। टाइप करने के बाद में इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाई देगी राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय, इसमें आपको नीचे लिखा हुआ है आयकर गणना प्रपत्र फाइनेंशियल ईयर 2021-22। अब आप सीधा इस पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप इसकी वेबसाइट पे भी क्लिक कर सकते हैं। दोनों जगह पर कहीं पर भी आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, अगर आप आयकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सीधा आप इस वेबसाइट की आयकर संबंधी उपयोगी प्रपत्र एवं प्रावधान वाला जो ऑप्शन है इस पर आप आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर यहाँ पर लिखा हुआ है आयकर गणना प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2021-22 सामान्य एवं वरिष्ठ नागरिक हेतु एमएस एक्सेल की ये सीट है और इसको जो लास्ट अपडेट है वो 4 दिसंबर को किया गया है। आप इसे डाउनलोड कर लें। इस एक्सेल फाइल को डाउनलोड करने के बाद आप इस वेबसाइट को क्लोज कर दें अथवा मिनिमाइज कर दें। अब दोस्तों आप अपनी जो भी एक्सेल फाइल आपने डाउनलोड की है उसको डाउनलोड ऑप्शन से ओपन करें या फिर आप अपने जहां पर भी आप उसको लेकर आना चाहें, आप अगर कंप्यूटर लैपटॉप में कार्य कर रहे हैं तो आप उसको डेस्कटॉप पर भी ला सकते हैं। उसको आप जैसे भी स्थिति में है उसे आप ओपन करें, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें कि उसको एक बार रीनेम कर लें जिससे आपको ध्यान रहे कि आपकी ये इनकम टैक्स की फाइल है, इसको आप एक बार नाम दे सकते हैं। आप इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद में इस फाइल का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में आपको इसके जो फॉन्ट हैं उन फॉन्ट में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें लिखा हुआ है इफ यू हैव हिंदी फॉन्ट प्रॉब्लम देन फर्स्ट यू शुड इंस्टॉल हिंदी फॉन्ट। आपके जो फॉन्ट हैं वो आपको हिंदी फॉन्ट डाउनलोड करने हैं। अगर आप मोबाइल में यूज करना चाहते हैं, मोबाइल में ही आप इस फाइल से अपना टैक्स का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में हिंदी फॉन्ट डाउनलोड करेंगे। इसकी अलग से वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आई बटन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो की सहायता से अपने मोबाइल में हिंदी फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में साथियों जब आप इस फाइल को अपने मोबाइल में रन करने का प्रयास करेंगे तो आप एक्सेल का जो हमारा ऐप आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसमें भी आपको इसके हिंदी फॉन्ट दिखाई नहीं देंगे। इसलिए आप WPS ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। उसके बाद में आप हिंदी फॉन्ट डाउनलोड करने के बाद आप इस फाइल को अपने मोबाइल में भी रन कर सकते हैं, उस फाइल को आप यूज कर सकते हैं। इन दोनों की वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसकी सहायता ले सकते हैं। अब आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देने पर आप इसकी जो हाउ टू यूज में जितने भी ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं आप उनको एक बार अच्छी तरीके से रीड कर ले। अगर आपके इनमें कहीं कोई कंफ्यूजन होता है तो आप इस फाइल को तैयार करने वाले हमारे जो शिक्षक साथी हैं चंद्र प्रकाश कुर्मी जी, आप प्राध्यापक हैं भौतिकी के राव मावी टोडा राय सिंह टोंक के, आप इनको अपनी मेल आईडी से, इनकी जो मेल आईडी लिखी हुई है आप इनको मेल करके अपना जो भी शंका या मन में कोई कंफ्यूजन है उसको आप पूछ सकते हैं। आप इस फाइल के सभी पॉइंट्स को रीड करने के बाद इसमें आप नीचे अगर देखेंगे तो आपको मास्टर वाला जो ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है, इस वाले मास्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। अब आप मास्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके काफी सारे ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है सभी पीले सेल अवश्य भरें। जो पीले सेल हैं वो आपको अनिवार्य रूप से भरने हैं। इसके अलावा बाकी के जो सभी जो सेल हैं इनमें आप अपनी डिटेल को सबमिट करेंगे, लेकिन जब आप डिटेल को सबमिट करने का प्रयास करेंगे तो
आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ है अनेबल एडिटिंग। आप अनेबल एडिटिंग का जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करें। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, अब आपकी जो फाइल है वो एडिटिंग के लिए तैयार है। आप सबसे पहले अपना जो कार्यालय का नाम है उसको आप बदल दें, अपने कार्यालय का टेन नंबर, कार्मिक का नाम, उसकी पे लेवल। पे लेवल पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको यहाँ पर टेबल दिखाई देगी। आपकी जो भी पे लेवल है उसको आप चयन करें। उसके बाद आपको कार्मिक का पैन नंबर इसमें सबमिट करना है, एसआई नंबर, आप अपने राज्य बीमा की जो कटौती है आपकी एसआई की मंथली कटौती वो आप इसमें फिल करें। अब इसमें लिखा हुआ है मार्च 2021 का मूल वेतन, आपको अपने मार्च 2021 का जो मूल वेतन है वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। इसके बाद साथियों, क्या आप एनपीएस एम्प्लॉय हैं, आप इस पर क्लिक करें। आपको यस और नो का चयन करना है, अगर है तो आप यस करें। बाकी की सभी डिटेल भी आपको फिल करते हुए सभी जो आपके ऑप्शन हैं उनको देख लेना है। क्या आपने पीएल सरेंडर लिया है, अगर लिया है तो आप इसे यस करें। यस करने के बाद आपको समर्पित बिल का जो माह है वो भी आपको अप्रैल से और आपका जो फरवरी तक का ऑप्शन है उसमें आप चयन करें मार्च तक के ऑप्शन में। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है क्या आपने आरजीएचएस कटौती का विकल्प लिया है। अगर आप आरजीएचएस में एनपीएस वाले ऑप्शन वाले हैं और आपको अपने मासिक वेतन से कटौती करवानी पड़ रही है तो आप इसे यस करें। क्या आपको वेतन पीडी हेड से मिलता है तो आप इसे भी यस करें। इसके बाद क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो आप वरिष्ठ नागरिक वाले ऑप्शन को भी यस करें। अब इसके बाद आप इस टेबल को राइट साइड में लेकर आए, इसमें डीडीओ का नाम आपको यहाँ लिखना है, कार्मिक का पद आपको यहाँ लिखना है। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट ऑप्शन नहीं है, आप यहाँ पर अपने पद को लिखें। इसके बाद आता है सेवा का नाम, तात्पर्य है इससे कि आपका जो कैडर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, स्टेट सर्विस सबॉर्डिनेट मिनिस्ट्रियल क्लास फोर्थ। अब जो भी हमारे शिक्षक हैं थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले वो सबॉर्डिनेट में आएंगे, हमारे जो लेक्चरर और इससे जो अपर ग्रेड है वो स्टेट सर्विस में आएगी। मिनिस्ट्रियल में आपके जो भी हमारे जो ऑफिशियल स्टाफ है वो मिनिस्ट्रियल में आएगा, एलडीसी यूडीसी और इनसे समकक्ष जो भी पद हैं वो मिनिस्ट्रियल में आएंगे। क्लास फोर्थ का अगर कोई हमारा साथी है तो वो इसका चयन करें। इन सब का चयन करने के बाद आपको अपने प्रान नंबर लिखने हैं, अगर आप 2004 से पहले वाले हैं तो आपको अपने जीपीएफ नंबर लिखने हैं, मोबाइल नंबर आप यहां पर लिखें, आपको मार्च 21 में एचआरए की जो रेट है वो कितनी थी वो आपको यहां पर लिखनी है। अब दोस्तों इसमें एक बात का ध्यान रखें कि आपका 8% ही यहां पर एज इट इज रहेगा, अगर आपको 16% एचआरए नहीं मिलता है। अगर 16% मिलता है, आप उन शहरों में शामिल हैं तो ही आपको इसमें कुछ बदलाव करना है। अगर आपको बोनस मिला है तो आप इसे यस करें। आप समर्पित बिल का जो माह है उसको आप सेलेक्ट कर चुके हैं पहले ही, अप्रैल से मार्च के जो भी महीने में आपने पीएल सरेंडर लिया है उसका आपको महीने का चयन करना है। समूह दुर्घटना बीमा का जो आपका प्रीमियम है वो आप कितना कटवा रहे हैं, 220, 700, 1400, 2100 जो भी है आपका, इनमें से आप उसका चयन करें। इसके बाद आपकी हितकारी निधि कटौती करनी है। अभी साथियों हमारे जो शिक्षा विभाग में हितकारी निधि की कटौती है वो अनिवार्य रूप से की जानी है, इसलिए आप हितकारी निधि को यस करें। इसके बाद शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, ये आपके नहीं है, अगर आपके है तो आप इसे यस करें, अदरवाइज आप इसे रहने दें। क्षतिपूर्ति भत्ता में 320, 620 और 1000 की राशि यहाँ पर दिखाई दे रही है, अगर आप ये एप्लीकेबल है तो ही आप इसका चयन करें। इसके बाद में इन सभी डिटेल को भरने के बाद आपका जो अदर डिडक्शन का ऑप्शन है इस पर आप आएं। अदर डिडक्शन में जो भी आपके इनमें जो राशि है मैनुअल जो आपको भरनी है उनको आपको भरना है। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो आपकी जो एनपीएस की राशि है वो इसमें यहाँ पर आ जाएगी, आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके अलावा आपके जो भी अन्य जो कटौतियाँ हैं वो इसमें आपको दर्शानी है, जिनमें कि आपके होम लोन अगर है तो होम लोन में आपका गृह ऋण किस्त जो आपकी मूलधन है वो आप यहाँ पर दर्ज करें, आपका जो ब्याज है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अगर आपकी कोई LIC जो वेतन से नहीं काटी जाती है या फिर LIC की तरह कोई भी आपका इंश्योरेंस प्लान है तो उसकी राशि यहाँ पर दर्ज करनी है। PLI है, ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फीस के बाद में आपका अगर PPF की राशि है तो आप PPF में यहाँ पर दर्ज करें, सुकन्या समृद्धि की अगर राशि है तो आप यहाँ पर उसको दर्ज करें। इसके अलावा आपके सभी जो ऑप्शन हैं इनको आप एक एक ऑप्शन को अच्छी तरीके से समझ लें। आपके जो भी कटौतियाँ हैं, जो आपने बचत प्लान है
उनको आप अपने सभी जो ऑप्शन है उनमें आप दर्ज करें। अगर आपके चिकित्सा बीमा प्रीमियम आपने कोई ले रखा है तो आप अधिकतम 25,000 रुपए और अगर कोई वरिष्ठ नागरिक है तो वो अधिकतम 50,000 रुपए की छूट यहाँ से ले सकते हैं। आपकी जो भी बीमा की प्रीमियम राशि है उसको आप यहाँ पर दर्ज करें। और दोस्तों आपका जो RGHS की जो कटौती है, आप जितनी भी राशि आपकी आ रही है उसको आप यहाँ पर दर्ज करें। इसके अलावा ATDD, ये आपका विकलांग आश्रितों के चिकित्सा उपचार। इस तरीके से आप सभी ऑप्शन को एक बार समझ लें। अगर आपने किसी धर्मार्थ संस्थाओं में कोई दान दिया है तो आप उस राशि को यहाँ पर दर्ज करें। इसके बाद में आता है आपका मेन पॉइंट जो है वो आप एक बार इसमें समझ लें। नवीन पेंशन योजना, अगर आप NPS धारक हैं तो आप 1.5 लाख से अन्य आपकी जो कटौती है 1.5 लाख से ऊपर अगर कोई कटौती जाती है तो उस स्थिति में आपको अपनी ऊपर की जो कटौती हो रही है उस राशि में आपकी जो NPS की टोटल जो राशि है उसमें से जो भी आपकी 1.5 लाख से ऊपर जा रही है उसको आप यहां पर दर्ज कर सकते हैं। इसको आप अगर विस्तृत रूप से समझना चाहते हैं तो आपको अलग से इसकी डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैं बना दूंगा। आप अगर NPS कार्मिक हैं तो आप अधिकतम 2 लाख रुपए की भी छूट इस ऑप्शन के माध्यम से ले सकते हैं। इसके बाद आपको अदर डिडक्शन का जो ऑप्शन, सभी ऑप्शन जो आपके इसमें हैं उनको फिल करने के बाद अब आप अगर देखेंगे तो आप GA 55 को आप देखें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको HRA की छूट लेनी है, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और आपको HRA की रिबेट लेनी है तो उसके लिए आप मकान किराया भत्ता जो आपको छूट लेनी है वो आपको यहाँ दर्ज करना है। लेकिन आप यहाँ वही राशि दर्ज कर सकते हैं अधिकतम जितने का आपने HRA प्राप्त किया है। आपने कितना HRA प्राप्त किया है वो आप अपने GA 55 में जो लिखा आता है नीचे उसके माध्यम से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपका जो HRA है वो यहाँ लिखा आ रहा है। आप अपने जो भी HRA की समस्त राशि है इसकी संपूर्ण छूट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें ध्यान रखें कि जैसे ही आप अपने HRA की राशि यहाँ पर सबमिट करेंगे आपको यहाँ पर आपके जो मकान किराया छूट के लिए रसीद की आवश्यकता, यहाँ जो 0 लिखा हुआ है यहाँ पर आपकी जो राशि है वो आपकी निकल के आ जाएगी कि आपको कितने रुपए की रसीद अपने DDO को सबमिट करवानी है। इसकी भी आपको अलग से डिस्क्रिप्टिव वीडियो में बना के दे दूंगा किस प्रकार से आप मकान किराया की जो छूट है वो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी पॉइंट में अगर आपकी कोई समस्या आती है तो इन सभी के अलग अलग डिस्क्रिप्टिव छोटे छोटे वीडियो मैं बना के मेरे चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आपसे निवेदन रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन में ऑल को सेलेक्ट कर लें, जैसे कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब दोस्तों हम समझते हैं इसके आगे की प्रोसेस को। अब आप अपने GA 55 ऑप्शन पे क्लिक करें। आपका जो GA 55 है वो यहाँ पर तैयार हो गया है। आपकी जो सभी एंट्री है जो आपने मास्टर डाटा में भरी है उनके अकॉर्डिंग आपका सभी जो डाटा है वो यहाँ पर दिखाई देगा। अब अगर आप इसमें नीचे देखेंगे तो आपके फरवरी 22 के बाद में आपको कुछ ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहे हैं जिनमें आपकी सैलरी एरियर HRA जुलाई 21 इसकी राशि यहाँ दिखाई देगी। इसके बाद में जब आप नीचे देखेंगे तो नीचे सरेंडर अगर आपने लिया है और सरेंडर का ऑप्शन आपने वहाँ पर फिल किया है तो आपको सरेंडर के ऑप्शन में राशि दिखाई देगी। आपका बोनस दिखाई देगा। आपके DA एरियर जो जुलाई 21 से सितंबर 21 तक के बीच की है वो आपको दिखाई देगी। वो आपके GPF 2004 के अकाउंट में डाल दी गई है उसका भी आपको यहाँ विवरण दिखाई देगा। इसके बाद अगर आपको डेफर्ड सैलरी मार्च 20 की प्राप्त हुई है तो वो आप अपने GA 55 से चेक करते हुए यहाँ पर मैनुअल भरें, उसका आप बेसिक भरें। बेसिक भरने के बाद आप DA और HRA तीनों आपको भरना है। आपका ग्रॉस सैलरी में यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो आपका हुआ है वो आपको यहाँ पर भरना है। टोटल आप इसके लास्ट में देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई सैलरी एरियर प्राप्त हुआ है तो आप इसमें मैनुअल भरें। जो आपको सैलरी ऑप्शन का जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है सैलरी एरियर, इस पर भरने के बाद आप इसको नीचे स्क्रॉल करें। अगर आपकी अन्य कोई और राशि प्राप्त हुई है तो आप अदर वन और अदर टू इनमें भी आप उसको सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों आप अपने GA 55 से अपनी जो ये GA 55 तैयार हो रहा है इसको एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लें। भली बात ही चेक करने के बाद अब आपको टैक्स ओल्ड रिजीम और टैक्स न्यू रिजीम इनमें एक बार तुलनात्मक अध्ययन कर लेना है कि आपका टैक्स ओल्ड रिजीम में फ़ायदा हो रहा है या टैक्स न्यू रिजीम में फ़ायदा हो रहा है। अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 10 लाख रुपए से कम है तो आपको टैक्स ओल्ड रिजीम में ही बेनिफिट रहेगा। आप इस बात का भी ध्यान रखें।
अब आप टैक्स ओल्ड रिज्यूम पे क्लिक करें। जैसे ही आप टैक्स ओल्ड रिज्यूम पे क्लिक करेंगे, अब आपके सारे जो आपने कटौतियां और आपके वेतन की जो जानकारी दी है वो सभी आपको इसमें दिखाई देगी। आपका जो टोटल मूल वेतन है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हुआ है, आपके अगर आपने एचआरए की रिबेट ली है तो वो माइनस हुआ है। इसके अलावा अगर आपका गृह ऋण पर ब्याज और गृह ऋण पर जो मूलधन है वो अगर माइनस हुआ है तो इन सब की डिटेल आपको इसमें दिखाई देगी। इसके बाद आपकी एटीसी की जो कटौतियां हैं वो सभी इसमें दिखाई देगी। आपका जीपीएफ 2004 का जो फंड कटा है उसका भी आपको इसमें अलग से ऑप्शन दिया हुआ है, वो भी आपको इसमें दिखाई देगा। अगर आप एनपीएस एम्प्लॉय हैं, आपकी समूह दुर्घटना बीमा, आपकी एसआई की कटौती, आपकी जो एनपीएस का आपका डिडक्शन है वो यहाँ दिखाई देगा। अब साथियों, इसमें से आप अगर ये 1.5 लाख से ऊपर आपकी कटौती होती है तो 50,000 जो आपका ATCCD-1B जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसमें आप इस राशि को सबमिट कर सकते हैं। इसका अलग से भी वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अब आप इसके जो 12 नंबर टेबल है इसके सभी ऑप्शन को एक बार अच्छे तरीके से समझ लें। अगर कहीं पर आप इनमें लाभ लेने की स्थिति में हैं तो आप अवश्य इन सभी ऑप्शन को समझ के लाभ ले सकते हैं। इन सभी के अलग से डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी मैं आपको चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। अगर आप शिक्षक हैं तो ATG का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, धर्मार्थ संस्थाओं को दिए दान, इसमें आप अपने विद्यालय में ज्ञान संकल्प पोर्टल पर भी डोनेट करके इस ऑप्शन से छूट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके 5 लाख रुपए से थोड़ी अधिक राशि टैक्सेबल इनकम में होने से आपको शुरुआत में ही 13,000 रुपए का टैक्स भरना होगा, ऐसी स्थिति में अगर आपने सभी प्रयास कर लिए हैं फिर भी आप 5 लाख रुपए से ऊपर आपका थोड़ा रुपए की राशि टैक्सेबल इनकम में आ रही है तो आप ATG के अंतर्गत अपने विद्यालय में ऑनलाइन दान देकर आप उससे बच सकते हैं और अपने विद्यालय के लिए भी कुछ भला कर सकते हैं। इसकी संपूर्ण प्रोसेस की वीडियो भी मैं अलग से चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि आपका जो टैक्स है वो टैक्स कितना बन रहा है, आपका जो टैक्स कटा है उसकी एंट्री आप GA-55 में मैनुअल आपको इनकम टैक्स का जो ऑप्शन है इससे आप कर सकते हैं। आप जैसे ही फर्स्ट ऑप्शन में जितनी राशि सबमिट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका नीचे तक जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर अगर किसी महीने में आपके कहीं कोई संशोधन हुआ है तो आप उस महीने में चेंज करें, उस महीने से आगे आपका जो नीचे का ऑप्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। अगर आपका बीच में किसी महीने में आपने इनकम टैक्स बंद करवा दिया है तो आप 0 फिल करें, उसके अगले महीने में भी आपका ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन हट जाएगा। इस तरीके से आप इस GA-55 को संशोधित कर सकते हैं, आप अपडेट कर सकते हैं, आप अपने टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप इसको कंट्रोल पी का जो ऑप्शन है उसके माध्यम से GA-55 की PDF बना सकते हैं। PDF बनाने के बाद आप अपने मोबाइल में भी इसको सेव कर सकते हैं, आप इसकी प्रिंट ले सकते हैं, अपने DDO को सबमिट करवा सकते हैं। और अगर आप मोबाइल के माध्यम से इसको सबमिट करना चाहते हैं तो आप दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको पहले अपने मोबाइल में हिंदी फॉन्ट डाउनलोड करने हैं, उसके अलावा आप WPS ऐप के माध्यम से इस एक्सेल फाइल में रन कर सकते हैं, अपने इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप घर बैठे बिना किसी की सहायता लिए, बिना किसी को अपना 1 रुपया दिए अपने टैक्स की अच्छी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको इसके सभी जो भी अलग से जो मैंने आपको बताए हैं उनकी सबकी वीडियो, एक एक वीडियो डिस्क्रिप्टिव चैनल पर मिल जाएगी। एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझा के आप मेरी सभी वीडियोस का इंतजार करें, बहुत जल्द आपको इन सभी टॉपिक पर एक एक वीडियो पर्टिकुलर में उपलब्ध करवा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी ग्रुप्स में सभी साथियों के साथ शेयर करें। और अगर आप टेक्निकल टीचर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन में ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर अपलोड हो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं ऐसी किसी महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।